नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम भोजन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको खाने से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगे, सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, हर तरीके से जीवन में बदलाव देखेंगे और अच्छा बदलाव देखेंगे। तो गलतियां भी बताऊंगा जो लोग करते हैं भोजन के विषय में, और उन गलतियों को सुधार के अगर हम ढंग से तरीके से भोजन करें तो क्या हमारे को फ़ायदे होंगे। दोस्तों, है क्या आज के टाइम में भोजन बस करना है, सिर्फ इससे मतलब है भूख लगी है पेट भरना है, उसको किस तरीके से करना है, कब करना है, किस वे में करना है वो कोई नहीं देखता, और किन बातों का ध्यान रखना है कोई नहीं देखता, क्योंकि या तो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं या लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, या वो सोचते नहीं हैं। पहली चीज़, भोजन के विषय में अगर आप वेजिटेरियन हो तो कभी भी ऐसी जगह से भोजन ना करें जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों बनता है। बहुत लोग हैं कि भाई आज के टाइम में तो एक नॉन वेज भी एक डिश हो गई है, मतलब जानवरों की लाशें काट के पकाई जा रही है, ये भी लोगों के लिए एक व्यंजन हो गया है। कलयुग घोर जो चल रहा है उसका ये परिणाम है। तो अक्सर वेजिटेरियन लोग क्या करते हैं, कोई रेस्टोरेंट में गए जहाँ वेज नॉन वेज दोनों मिल रहा है, भैया मेरी वेज वाली दे देना, साथ में दोस्तों का भैया मेरी नॉन वेज वाली दे देना। तो कढ़ाई वही है जिसमें से वो पका रहा है, वेज भी नॉन वेज भी, और बर्तन उसके पास वही हैं, उन्हीं हाथों से वो उसको भी करा रहा है, उसे भी कर रहा है। तो धर्म भ्रष्ट तो हो ही चुका आपका, आप वेज के नॉन वेज तो कब के हो चुके। हम मोमोज की भी बात करें, वेज और नॉन वेज दोनों रखे हैं, भैया मेरे को वेज वाला दे देना, भैया नॉन वेज वाला दे देना, उस डब्बा चाय अलग है, उसी मशीन में ऊपर के माले पे वेज है, दूसरे पे नॉन वेज है, पूरा सतबेजड़ा काम हुआ हुआ है। या चाहे बर्गर ले लो, चाहे रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीज़ें ले लो, आपको इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से आप इतनी ज़्यादा वो करते हो अपने घर में, या सोच भी नहीं सकते नॉनवेज ही हमें हाथ ना लगा दें, आप अगर रेस्टोरेंट में जाके देख लोगे किस तरीके से खाना बनता है वेज और नॉनवेज वालों में, खासकर मैक्सिमम में, तो आप शायद ये समझ जाओगे कि आप अब वेज नहीं रहे। तो मैक्सिमम जगह ऐसा मैंने देखा है, और उसके बाद ही मैंने निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि जो कंप्लीट शाकाहारी हो, वेज हो, उसी से भोजन करा जाए, खासकर अगर आप बिल्कुल प्योर वेज हो तो। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका वो एक कॉन्शियस लेवल, प्योरिटी लेवल बना रहेगा। चाहे आप ये कह लो एक तर्क बदले में दे दो, आज हर चीज़ नॉन वेज है, दवाइयाँ हैं, ये है वो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी आड़ में कम्प्लीटली अपने आप को बिल्कुल अंधे होके झोंक दें इस चीज़ में कि हाँ वेज भी उसी थाली में आ रहा है, नॉन वेज भी आ रहा है, सब्जी में हड्डी और मटन है तो वो निकाल दो, बाकी की बची हुई सब्जी खा लो तो वेज हो गई। ये थिंकिंग की तरफ हमें नहीं जाना। तो जो वेज हैं, शाकाहारी हैं, वो जितना प्योरिटी लेवल अपने फूड में मेंटेन कर सकते हैं वो करें। दूसरी चीज़, खाना खाते वक्त कभी भी टीवी पे वॉर सीन्स मत देखो। बहुत लोग होते हैं आज के टाइम में, मैक्सिमम पिक्चरें पैसे कमाने के लिए लोग बनाते हैं, घटिया घटिया फिल्में जिसमें लड़ाई झगड़ा मार पिटाई दुनिया भर की गोली बाजी, कोई ऐसी पिक्चर ही नहीं है, एक्शन के नाम पे क्रुएलिटी, हर तरीके की जो कहते हैं ना घटियापना टीवी में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, जो बिल्कुल ही कानून से परे है, जो बिल्कुल ही असलियत से परे है। वो उसको मार रहा है, वो उसका खून कर रहा है, वो फिर यूं कर रहा है, वो छुपा रहा है, लाश वो करी जा रही है, और वो सब, यहाँ तक कि रेप के सीन्स दिखाए जाते हैं, वो सारी क्रुएल्टी देखते हुए जब आप भोजन करते हो तो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को जिसको आप देख रहे होते हो, आप उसे ग्रास्प कर रहे होते हो और अपने भोजन के साथ उस एनर्जी को अपने अंदर ले रहे होते हैं। भोजन क्या है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है जो आप अपने शरीर में डालते हो। इसी वजह से अक्सर कहा जाता है जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं अक्सर उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति होती है, क्रूरता होती है, उनके अंदर गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, क्योंकि मांस जा रहा है, रक्त जा रहा है, तामसिक भोजन जा रहा है, किसी की हत्या होने के बाद उसकी लाश शरीर में जा रही है। तो इस बात को समझो, कोई भी आप लड़ाई झगड़ा वॉर सीन्स देखते हो, और आज कितनी अजीब, मुझे हैरानी होती है कि एक अजीब सी आम बात हो गई है, टीवी में भयानक से भयानक सीन भी होगा
तो छोटे छोटे बच्चे भी उसको देखते हुए आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई जैसे ये नॉर्मल सी बात है, जैसे कोई बात ही नहीं हुई है। इन सबको देख देख के आपका सेंसिटिविटी लेवल कम होता जा रहा है, आपके अंदर की जो इमोशंस है वो घटते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये तो आम बात है, और उसी तरीके से इस सबको दर्शाया जाता है। और वो देखते हुए जब आप भोजन करते हो और वो भोजन भी शक्ति आपके शरीर में जा रही है, तो आपकी आइडियोलॉजी को भी अफेक्ट वो कर रहा है और आपके अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा कर रहा है कि हाँ मारपीट तो नॉर्मल चीज़ है, लड़ाई झगड़ा नॉर्मल चीज़ है, गालियाँ एक दूसरे को देना नॉर्मल चीज़ है, ये जो हो रहा है रेप मर्डर नॉर्मल चीज़ है। तो कभी भी इस तरीके की चीज़ें देखते वक्त भोजन ना करें, इससे बेटर है आप टीवी बंद कर दें जिस टाइम आप भोजन कर रहे हो और शांति से भोजन खाएं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम टीवी देखते वक्त जिमने वाला मुंह में जा रहा है, कितना वो चब रहा है, कितना वो पच रहा है, कितनी जल्दी आप खा रहे हो, क्या उस पर आप ध्यान दे रहे हो, क्या आप उसका आनंद ले रहे हो, आपको पता ही नहीं होता। आप एक दिन टीवी बंद करके भोजन खा के देखो, आप एक एक निवाले का आनंद ले पाओगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान पूरी कंसंट्रेशन भोजन पे होगी। और सबसे अहम बात कि भोजन शुरू करने से पहले अपने ईष्ट को याद करें, अपने भगवान को याद करें, उनका धन्यवाद करें कि आपने मुझे ये भोजन प्रदान किया है। माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद करें कि आपने हमें ये भोजन दिया है जिससे हमारा पेट भरेगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इसी तरीके से भोजन देते रहें। तो क्योंकि ईश्वर ही है जो हमें भोजन दे रहा है। हम इंसान घमंड में आ जाता है कि मैं कमा के ला रहा हूँ, आप कमा के नहीं ला रहे, वो आपको दे रहा है तो आपके यहाँ बरकत हो रही है। नहीं तो मेहनत तो हर कोई करता है पर हर कोई नहीं कमा पाता। कोई सोने की थाली में खाता है, कोई किसी को पत्तल भी नसीब नहीं है, कोई ज़मीन की झूठन खा रहा है तो कोई नॉर्मल प्लेट में खाना खा रहा है, तो कोई प्लास्टिक की में खा रहा है, कोई चांदी के बर्तनों में खा रहा है, तो हर का फ़र्क है। तो इसीलिए इस बात को समझो कि भोजन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो खाना मिलता है उससे पहले भगवान को याद करो, उनका धन्यवाद करो। इसके अलावा भोजन को कभी भी उसको फेंको मत, उसका तिरस्कार मत करो, उसको वेस्ट मत करो, उतना ही लो जितना खा सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं फिर ढेर सारा छोड़ देते हैं, ये सोच के कि ये एक टोटका है कि हमने ज़्यादा अपनी प्लेट में छोड़ दिया तो इसका मतलब हमारे पास सब कुछ बना रहेगा। एक क्लाइंट मेरे थे, उनको किसी ने बता दिया ज्योतिष ने कि खाना प्लेट में खाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भरो और उसके बाद आधा खा के छोड़ देना, ताकि जब तुमसे जो छूटा हुआ खाना है वो ये इंडिकेट करेगा तुम्हारे पास तो बहुत सारा है, तुमने थोड़ा खा लिया बाकी छोड़ दिया। तो ये बेवकूफ़ी भरा उपाय जो उस क्लाइंट को बेचारे को बताया गया, वो यही करता था। समोसे की जगह है पेट में दो की, ऑर्डर करे तीन, ढाई समोसा खाया, तीसरा समोसा आधा छोड़ दिया। इसी तरीके से छोले भटूरे लिए, डेढ़ छोला भटूरा खाया आधा छोड़ दिया, चाउमीन ली ढेर सारी खाई आधी छोड़ दी, रोटी में पेट में जगह है तीन रोटी की पांच बनवाई, कैसे भी करके साढ़े तीन रोटी खाई, चार रोटी खाई पांचवी छोड़ दी, तो उल्टा वो और गर्त में ज़्यादा चला गया और गरीबी में ज़्यादा चला गया। क्योंकि जो बची हुई रोटी थी ना बच्चे खा के देवे, ना घरवाली खा के देवे कि हम झूठा नहीं खाते पापा का, घरवाली के मैं ना खाती पापा वो पति का झूठा। आज के टाइम में मेड आसानी से कोई भी लेती नहीं है, बाहर कुत्ते को डालो कुत्ता ना खावे, वो सीधा कूड़े में डली रोटी, और वो रेगुलर बेसिस पे ये सिस्टम बन गया, या तो कूड़े में डली या बाहर फेंकी गई, गाय को देने कौन जाए। और गाय भी सब्जी में हर सब्जी थोड़ी खा लेगी आपकी, कल को आप मलाई कोफ्ता खिलाना चाहो तो रोटी खाएगी बेचारी। तो इतना अन्न बर्बाद होता रहा उसका कई महीनों साल, और वो और डाउन जाता चला गया, और डाउन जाता चला गया, गरीबी आती चली गई, नुकसान होते चले गए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो गई, अन्न का अपमान होने लगा और ग्रह भी नेगेटिव हो गए। तो वो भाई साहब जब हमारे संपर्क में आए तो उनकी आदत छुड़वाई, एक महीना ही हुआ था आदत छुड़वाए हुए उनकी, उन्हें समझाया कि उल्टा आप कम लो कम खाओ, कुछ भी प्लेट में छोड़ना नहीं है, प्लेट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वो आदत उनकी जैसे ही बदलवाई विद इन अ मंथ उनका काम दोबारा चलना शुरू हो गया, जो बिल्कुल ठप होने की कगार पर आ गया। और उनसे पूजा कराई, अनुष्ठान कराए, माफ़ी मंगवाई माता अन्नपूर्णा से, तब जाके अब वो स्टेबल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अन्न की वैल्यू को समझो, भोजन की वैल्यू को समझो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए उतना ही लो जितना आप खा सकते हो, किसी को भी
ये मत सोचो कि भाई इस फेंकने से होने से आप बहुत आपके पास आ जाएगा ढेर धन धान्य, जितना फेंकोगे बर्बाद करोगे उतना नुकसान होगा। इसके अलावा भोजन करते हो कोशिश करो बिस्तर पे ना करके या तो ज़मीन पे बैठ के भोजन कीजिए या डाइनिंग टेबल पे कीजिए। बिस्तर पे भोजन करने से गरीबी आती है, राहु दोष उत्पन्न होता है और कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियाँ बढ़ती हैं। मैक्सिमम लोग बिस्तर पे ही भोजन करते हैं, चाहे आलस के मारे चाहे कंफर्ट के मारे। दिक्कत है बिस्तर पे कोई टेबल ले आओ छोटी, उस पे रख के कर लो, बट फर्स्ट एडवाइस यही रहेगी कि या तो ज़मीन पे बैठ के करो या डाइनिंग टेबल पे। अगेन जब खाना खाते हो ऐसे इंसान के यहाँ मत खाओ जो आदमी दुष्ट है, झगड़ालू है, मारपीट करने में आगे है, गाली गलौच वाला है, आपराधिक शैली के काम करता है या गंदा आदमी है, नेचर से बुरा है, लालची है। जितने गंदे लोगों के यहाँ, गंदे स्वभाव के लोगों के यहाँ, लालची लोगों के यहाँ भोजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके ग्रह दूषित होंगे, आपके जीवन में परेशानियाँ बढ़ेंगी। कह दो हमारा फास्ट है, हम खा के आए हैं, सबसे बेस्ट ये एग्ज़ाम्पल है। ऐसे लोगों के यहाँ तो चाय पानी भी आपके जीवन में कष्टों का कारण बन जाती है। अगेन जो आपके दुश्मन हैं इनके यहाँ भोजन ना करें, चाहे कितने ही मीठे हों, आपके लिए भोजन लाते हैं तो भी ना करें। कभी भी आप भोजन करते हैं या किसी को भोजन देते हैं खाने के लिए तो रिस्पेक्ट के साथ दें। मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग भोजन किसी को खाने को देते हैं, गरीब को रोटी दे रहे हैं, तो ऐसे फेंकते हैं जैसे कुत्ते को डाल रहे हो, और लिटरली मैंने ये चीज़ देखी है और इतना मुझे बुरा फील उस टाइम हुआ। एक बारी मैंने इंसिडेंट देखा, मैंने कहा आप, मैंने मन में सोचा कोई किसी को अगर खाना दे रहा है तो रिस्पेक्टफुली क्यों नहीं उसको दे सकता, उसको किस बात का घमंड दिखा के यूं करके यूं खाना रोटी दी जा रही है, यूं करके रोटी दी जा रही है और वो बेचारा दोनों हाथ फैलाए बैठा हुआ है। उसको तरीके से इज्जत से उसको खाना दो, अगर खिला ही रहे हो तो। अगर उसमें भी किस बात का अकड़ घमंड किस बात का है, रोटी देने वाले तुमने, रोटी देने वाला वो ईश्वर है, वो खुदा है, वो भगवान है जिसने तुम्हारे को ये मौका दिया है कि तुम दूसरे को खिला सको। खुशकिस्मत समझो अपने आप को, क्योंकि तुम भी उसकी जगह हो सकते हो अगले जन्म में। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती, भंडारा करते हैं या कोई वो करते हैं जो है रोटी ऐसे। मैंने एक बारी एक जो है उन अंकल जी को देखा, सरदार जी को रोटी दे रहे किसी बेचारे गरीब को, यूं करके यूं फेंक रहे उसके ऊपर यूं, और वो बेचारा यूं कर रहा है, उसकी रोटी भी ज़मीन पे गिर गई हाथ से छूट के। देना है तरीके से उसके हाथ में दे दो ताकि वो ढंग से खा सके, इज्जत से दो ताकि एटलीस्ट उसको लगे कि उसको सम्मान भी मिल रहा है। खाली आप भोजन खिला के किसी को एहसान नहीं कर रहे, उसकी इज्जत भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह लोग क्या करते हैं, कोरोना टाइम में क्या हुआ, किसी को खाना देते हुए फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, राजी होकर अपना थपड़ाई दिखा रहे हैं देते हुए यूँ। मतलब तुम किसी की जो मजबूरी है उसको भी कैश कर रहे हो, उससे भी फ़ायदा उठा रहे हो। कैसा उसको अजीब फील हो रहा होगा इंसान को अंदर से। इमेजिन योर सेल्फ, अपने आप को उस आदमी की जगह पर रखो कि तुम्हें कोई कुछ दे रहा है फिर तस्वीर खिंचा रहा है तुम्हें रोटी देते हुए, कितना लो तुम्हें फील होगा, कितना चीप फील होगा। तो इस बात को समझो, आपको जिस तरह आपके लिए चाहे कोई आदमी छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक को इज्जत प्यारी है। तो इज्जत से प्रेम से हर एक के साथ पेश आइए ताकि हर इंसान उसको खा सके। बेइज्जती की रोटी कोई नहीं खा सकता। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी को दो रोटी देंगे खूब सुना के चिल्ला के उसको बेइज्जत करके, तब उसको रोटी देंगे और उस बेचारे के लिए वो एक निवाला निगलना मुश्किल हो जाएगा। घर में ऐसा होता है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। बाजी बाजी घर वालियाँ अपने पति को 10 गाली सुना के 4 बात सुना के तब रोटी देती हैं। बाजी बाजी दफ़ा सास बहू को है तब देती है, या बहू अपनी सास को 4 बातें सुना के रोटी देती है। बच्चे माँ बाप को देते हैं उल्टी सीधी सुना के, यहाँ तक कि घर में नौकर है उसको रोटी दे रहे हैं तो 10 बात सुना के दे रहे हैं। कितना अजीब, कितना लो फील होगा आपको। आप खुद सोचो कि आपको कोई गाली दे रहा है, सुना रहा है, आप चिल्ला रहा है, आप पे झगड़ रहा है और तब आपको रोटी दे रहा है, और वो रोटी आप से निगली तक नहीं जाएगी, गले से उतारी तक नहीं जाएगी। कितनी नेगेटिविटी से भरे हुए होंगे वो निवाले। तो घर में अगर बहुत ज़्यादा कलेश करते हो आप लोग खाना खाते वक्त, झगड़ा करते हो और झगड़ा और कलेश करते वक्त रोटी का एक एक निवाला खाते हो, और खाते हुए मुंह में निवाला चबाते हुए चिल्ला रहे हो, लड़ रहे हो, तो वो कभी भी अन्न आपको बरकत नहीं देगा, कभी भी जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, कभी भी वो अन्न आपके शरीर को लगेगा नहीं, कभी भी पॉजिटिव उसके परिणाम नहीं होंगे, नेगेटिव ही परिणाम जाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भोजन वहाँ करो जहाँ बिल्कुल शांति हो,
चाहे एकांत में बैठ के कर लो, किसी के साथ मत करो अगर किसी से नहीं निपटी तो। इसके अलावा भोजन करते वक्त मन में कोई भी उल्टे सीधे विचार मत लाओ, ना गुस्से के, ना नाराज़गी के, ना कामुकता के। बहुत लोग होते हैं भोजन करते वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, किसी बात पे नाराज़ है, उस गुस्से में नाराज़गी में भोजन कर रहे हैं, वो भोजन भी नुकसान देता है, फ़ायदा नहीं देता। कामुकता में किसी बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो, बीवी को या पति को याद कर रहे हो, भूख भी लग रही है और शारीरिक भूख भी लग रही है, तो उस टाइम में भोजन कर रहे हो तो भी वो भोजन आपको नहीं पचेगा, आपको उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा, कोई भी तरीके का उसका बॉडी में बेनिफिट नहीं होगा। भोजन एक ऐसी चीज़ है जो शांति से, एकांत से, स्वच्छता के साथ करने वाली चीज़ है, जिसके अंदर कोई भी हिंड्रेंस ना हो। अगेन, खाना खाते हो स्वच्छ जगह पर बैठ के खाओ, साफ़ जगह पर खाओ, ये नहीं कि बाथरूम में बैठ के आप खाना खा रहे हो, कोई रोटी खाते हुए रैप करी खाते हुए बाथरूम आ गया, चल दिए बाथरूम में। मैंने एक बारी किसी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखी और उसमें बच्चा खाता जा रहा रोटी और बाथरूम में शिट करता जा रहा, टोटली बकवास। मतलब इस तरीके की बहुत लोग होते हैं, कॉपी भी करने लगते हैं ऐसी चीज़ों को, तो इस तरीके से आप अन्न का भी अपमान कर रहे हो और खुद के बॉडी स्ट्रक्चर को भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी ने पहले पुराना निकाला नहीं और नया अंदर और डाल रहे हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ में गैप रखो, ताकि ये आपकी बॉडी एक मशीन है, इसको भी हर चीज़ वो चाहिए, हवा पानी टाइम चाहिए, एयर चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको भी, इसको भी एक वो चाहिए, बीच में रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे आप कुछ खाते हो मशीन काम करना शुरू कर देती है पचाने का। एंड अगेन, सबसे इम्पॉर्टेंट कि खाना खाने के बाद आपका अगर कोई भी खाना बचता है, ज़्यादा बन गया है, तो वो किसी को डोनेट कर दो, दान कर दो, खाने को कूड़े में मत फेंको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुत्ते के लिए, गाय के लिए और पक्षी के लिए भोजन ज़रूर निकालो। ये हमारे शास्त्रों में भी है, हमारी सभ्यता में भी है, और चाहे आप हिंदू धर्म में हो या नहीं हो, तो भी ये जीव जंतु के कल्याण के लिए, जो इस दुनिया में बेचारे पहले ही परेशान हैं, उनको भोजन ज़रूर दो। उसमें गरीब लोग भी आ गए, उसमें हर कोई भूखा जो है वो भी आ गया, और जानवर तो आ ही गए, कोई चाहे उसमें चींटी है, चाहे उसमें कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे पक्षी है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे सांड है। मैं ये नहीं कहता गाय को ही खिलाना है तो ही पुण्य मिलेगा, मैं कहता हूँ आपके पास पूरी सब्जी है, रोटी है, सांड को खिलाओगे तो भी पुण्य मिलेगा, भैंस को खिलाओगे तो भी पुण्य मिलेगा। जीव जीव है, ये नहीं है कि बाकी जीवों में आत्मा नहीं है या उनको पेट में भूख नहीं लगती। सुअर को खिलाओगे तो भी पुण्य मिलेगा, गधे को खिलाओगे तो भी पुण्य मिलेगा, बंदर को खिलाओगे तो भी पुण्य मिलेगा। बस ये मन में नियत रखो मदद करने की, भूखे का पेट भरने की, और इज्जत के साथ रिस्पेक्टफुली हर एक को भोजन कराओ। एंड अगेन, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने पेट में तो भोजन करते ही हो, हर कोई करता है अपने लिए, एक सिस्टम बनाओ कि त्योहारों में या नवरात्रों में या कभी भी आपके जन्मदिन पे या किसी भी अच्छे शुभ अवसर पे भंडारा ज़रूर करना है। थोड़े पैसे जमा रखो भंडारे के नाम के, हर साल कोशिश करो किसी भी अच्छे अवसर पे, चाहे एकादशी पे, चाहे मावस पे, चाहे पूर्णिमा पे, चाहे आपके जन्मदिन पे, चाहे आपके किसी मृत परिजन की डेथ एनिवर्सरी पे या उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, या त्योहारों पे या त्यौहार से पहले भंडारा ज़रूर करो। चाहे ज़्यादा आइटमों का मत करो, पूरी साग खीर का कर दो, बस हलवे का कर दो, और कुछ नहीं आपसे ज़्यादा बन पाता, कोई नॉर्मल एकाद जो है पूरी सब्जी का कर दो खाली, मीठा भी मत करो चाहे, मतलब कुछ ना कुछ का आप भंडारा भोजन का ज़रूर करो, जिससे आपके द्वारा लोगों का पेट भरे, लोगों की आत्मा को तृप्ति पहुँचे। अन्न का दान महादान है। और अगेन, एट द एंड ऑफ द डे, बुरे कर्मों से बचो, बुराई से बचो, मीट मांस अंडा शराब मछली इनका सेवन बंद करो। जीवन में मधुरता भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, ग्रह भी सुधरेंगे, कर्म भी सुधरेंगे, और जीवन बदल भी जाएगा। जो खा रहे हैं, जो गड्ढे में गिर रहे हैं, उन्हें गिरने दो, तुम मत गिरो।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत व्याध आपके घर में है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, हर तरीके से काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, कितना ही पुराना ब्लैक मैजिक हो कट जाएगा, किया कराया हट जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कड़ा भी पहन सकते हैं अगर बहुत गुस्सा आता है तो, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। अगर नेगेटिविटी का डर है, मरने का मन करता है, या कोई भी तरीके का आप पे भूत प्रेत ज्यादा है, टोना टोटका आप पे हो रखा है, वशीकरण हो रखा है, तो आप मेरा प्रोटेक्टेड लॉकेट पहनिए या कवच पहनिए। ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा और ये कभी ख़राब नहीं होता है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला।